हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सुबह के 9 बज रहे हैं और किचन में आई हूँ लंच की तैयारी करने। और लंच में आज बना रही हूँ दाल चावल रोटी सब्जी। और आज है पितरों की विदाई, तो हवन वगैरह होगा, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। और हवन भी कराना है तो हस्बैंड जी ही हवन करेंगे, और हवन होने के बाद सब लोग खाना खाएंगे। तो वही मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ, और आप लोगों से अभी नहीं मिल पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। और सुबह तो अक्सर ज़्यादा ही काम होता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ देखिए, हमने दाल चढ़ा दिया है और सब्जी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। और सब्जी में बनाऊँगी आलू टमाटर की सूखी सब्जी, और उड़द दाल बना रही हूँ, जो खड़े वाले उड़द होते हैं उसका दाल बन रहा है। और चावल और रोटी, रुमाली रोटी बोलते हैं जो, वही बनेगा। तो देखिए, टमाटर हमने डाल दिया है, पहले हमने तेल डाला है, उसमें जीरा मेथी, फिर उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिया था, उसके बाद ही मसाले डाल रही हूँ। तो मसाले में बस वही बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में ही नमक डाल दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो देखिए, हम टमाटर से ही मतलब मसाला पका लेंगे, जो टमाटर में पानी निकलेगा उसी से मसाले भी पक जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करिएगा, और बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। जब उड़द दाल आप बनाओ, उड़द के दाल जब बनाओ, तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर बनाना, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो देखिए, टमाटर भी गल चुकी है और मसाला भी भून चुकी है इसी में। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, और आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और ऐसे ही सूखे सूखे वाली सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी भी रेडी हो चुकी है, बस इसे हम खुले खुले मतलब बिना ढके ही पकाएंगे, और ऐसे ही ये सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। और सब्जी हमारी पक चुकी है, सब्जी हमने नीचे उतार करके रख दिया है, और इधर हमारी दाल पक रही है। दाल हम धीमी धीमी आंच में ही पकाते हैं, क्योंकि ये उड़द वाली दाल धीमी धीमी ही आंच में पकती है, तभी अच्छी बनती है। और यहाँ देखिए, मैं रोटी भी बना रही हूँ फटाफट, और सासू माँ नीचे बैठ करके बेल रही हैं, उन्होंने कहा लाओ मैं बेल देती हूँ, और लाओ तुम पलट लो। तो देखिए, इस तरीके वाली रोटी बन रही है, क्योंकि ये सब मतलब खाना मतलब जब विदाई होती है तो यही खाना बनता है, तो इसे कच्ची खाना बोलते हैं, ये कच्चा खाना है जो विदाई होती है। तो आज पितरों की विदाई है, मतलब हमारे ससुर जी की आज आखिरी हवन होगी, जो अग्यार बोलते हैं, उड़द और चावल और घी और शक्कर की हवन होगी।
और यही खाना जो है हस्बैंड जी खाएंगे, हस्बैंड जी क्या सब लोग खाएंगे। तो आज हमारे मतलब सभी के यहाँ होती है जो अमावस होती है, तो अमावस के दिन हवन होता है, पितरों की विदाई हो जाती है, तो वही है आज हमारे घर यही हो रहा है। सबके घर भी ऐसे होते होंगे मैं जहाँ तक जानती हूँ, क्योंकि सबके घर पितरों की विदाई होती है। नवमी के दिन जो होती हैं मतलब लेडीज़ लोग, उनकी विदाई होती है, और अमावस के दिन जो जेंट्स लोग होते हैं उनकी विदाई होती है। तो मेरे घर में मेरे ससुर जी की आज विदाई हो रही है, तो वही हमारे पूर्वज पितर जो होते हैं उनकी आज विदाई होगी, हवन होगा। हवन बोलिए या अग्यार बोलिए, हमारे यहाँ तो अग्यार उसे कहते हैं, कंडे की आग में अग्यार होती है। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं, बस दो चार रोटियाँ ही बनानी है, बहुत ज़्यादा रोटियाँ मैं नहीं बना रही हूँ। और अभी केवल 9:30 ही बज रहे हैं, और यहाँ देखिए मैं दाल भी जा रही हूँ छौंकने, और दाल छौंकने के बाद उसके बाद चावल चढ़ा दूँगी, उसके बाद मतलब हवन वगैरह करने की तैयारी कर दूँगी। तो देखिए दाल भी बस यही लहसुन और जीरा और सूखी लाल मिर्च से छौंक लगा दूंगी, और हींग भी लगा दूंगी इसी में। तो बस आज का खाना यही है हम लोगों का। तो बस फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अब मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इतना मेहनत कर रही हूँ उसके बाद भी अच्छे व्यू नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी कमी है वीडियो में जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो कोशिश तो मेरी हमेशा रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊं। तो आप लोग समझ सकते हो, हाउसवाइफ हूँ, घर में जो होता है वही मैं दिखाती हूँ, और कोशिश भी करती हूँ कुछ अलग ही आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन क्या करूं यार, जो घर में होता है वही दिखाती हूँ। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, उसके बाद मैं हमेशा कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाएंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अभी तो मैं घर में रहकर ही सारा काम आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन कभी जब मैं बाहर जाऊँगी तो वहाँ का व्यू चीज़ें दिखाऊंगी, और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और सभी को मैं मिलवाऊंगी। तो यहाँ देखिए हवन हो चुकी है, ये देखिए ये हवन हो चुकी है, और ये बगल में सीधा रखी हुई है, इसे छू करके पंडित जी को दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और सुबह से बस अब आपसे आप अभी मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैं आपसे मिल नहीं पाई, और सुबह बहुत ज़्यादा काम था फ्रेंड्स, इस वजह से नहीं मिल पाई। और सारा काम करके फिर मैं खाना पीना करके फिर आ गई थी बिस्तर पे, मतलब आराम करने, और तब से 3:30 बजे मैं सो के जगी हूँ, और देखिए मेरा चेहरा कितना सूजा सूजा सा दिख रहा है। बस अभी उठी हूँ तो बर्तन धुला, झाड़ू किया और बनाया, कपड़े भी पड़े थे मशीन में, धुले हुए थे, सूखे नहीं थे, वो भी डाल के आई छत पर से। और इस समय तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, और गर्मी की वजह से कुछ भी शूट करने का मन भी नहीं हो रहा है। आप लोगों को क्या बताऊं, इतना ज़्यादा गर्मी कि बिल्कुल से तबीयत खराब हो गई है गर्मी की वजह से। एक हफ्ते से आपको बता दूं, मौसम ऐसा हो रहा है कि अभी पानी आ जाएगी, अभी पानी आ जाएगी, लेकिन पानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। सुबह ऐसा लग रहा था कि कितना पानी अभी आ जाएगा, लेकिन पता है हमारे घर से मतलब 1 किलोमीटर पर दूरी पर बारिश हुई, और यहाँ बारिश ही नहीं हुई। तो इस तरीके से मौसम यहाँ पे है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और दिक्कत भी हो रही है। गर्मी की वजह से कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं होता है। जैसे ही कैमरा उठाओ कि चलो कुछ वीडियो बनाते हैं, तैसे लगता है कि गर्मी गर्मी सा मस्त रख दो। इसी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस अभी थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश महसूस हो रहा था कि चलिए आप लोगों से बातें कर लेते हैं, और वीडियो स्टार्ट की हुई थी सुबह ही, और मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को, और चलिए चलते हैं देखते हैं शाम को क्या करना होता है। और
अभी तो बज रहे हैं 5 और चलती हूँ चाय बनाने के लिए किचन में, और चाय बनाऊंगी उसके बाद डिनर की तैयारी करते रहेंगे, देखते हैं क्या बनेगा डिनर में। वही रोज का हम लोगों का होता है, झाड़ू पोछा बर्तन डिनर लंच, एक जाता है एक आता है, बस वही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को देखना पड़ता है। क्या करें भाई, मजबूरी है तो दिखाना है, और क्या ही दिखाएं। इस लॉकडाउन में हम लोग कहीं आ भी तो नहीं, जा भी तो नहीं पा रहे हैं। वैसे तो हम लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने भी जाते थे, हमने सोचा था कि इस बार भी हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, तो आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हो, बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, और देखते हैं आप कभी कहीं ना कहीं अगर जाएंगे तो आप लोगों को जरूर लेकर जाएंगे। और मन भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं जाएं, तो इस वजह से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है और डर भी लग रहा है कि बाहर जाएं तो कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। इस वजह से ही घर में रहते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। और वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते थे विद फैमिली के साथ, लेकिन इस बार हम लोग कहीं भी नहीं घूमने गए। और इस वजह से पता नहीं ऐसे मन हो रहा है कि कहीं अब जाना चाहिए घूमने, अब कहीं अब जाना चाहिए घूमने। घर में रह रहकर हम लोग बोर हो गए हैं, क्या करें। देखते हैं कब तक माहौल अच्छा होगा, कब तक ठीक ठाक होगा, तब निकलने ही है हम लोग भी बाहर, और आप लोगों को भी ले चलेंगे, दिखाएंगे। और वैसे भी मैं कोशिश करूंगी, इधर उधर जाऊंगी तो आप लोगों को लेकर चलूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, और चलती हूँ मैं किचन में चाय बना लूँ। और वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच किया करिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। नहीं, एक लोग हैं जो मुझे हमेशा डिसलाइक देते हैं, पता नहीं कौन से भैया हैं, बाबू हैं, दीदी हैं, कोई भी है, एक लोग मुझे हमेशा डिसलाइक देती हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। तो चलिए, आप डिसलाइक देती हो तो कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, पता नहीं हैं या हो, पता नहीं मुझे कौन है, लेडीज है या जेंट्स है, पता नहीं, बस अंदाजे से बोल रही हूँ। होंगे कोई चाहने वाले हमारे जो उनको हमारी ये वीडियो नहीं पसंद आ रही है और हमेशा मुझे डिसलाइक देकर चले जाते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का डिसलाइक भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और वैसे तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं जिससे मैं पढ़ करके खुश हो जाती हूँ, लेकिन कुछ होते हैं जो ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं जो देखकर दुखी भी हो जाती हूँ। तो कोई ना, इस लाइन पे आई हूँ तो दुख सुख तो मिलता रहेगा, मतलब दुख सुख मतलब अच्छा और बुरा मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और चलते हैं चाय की तैयारी करने, और मिलेंगे आप लोगों को थोड़ी ही देर में।